अगर मेरे फादर होते तो पता क्या कहते हैं, बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो यार आप सभी लोग। तो भाई फिर से यार आप लोगों का स्वागत करता हूँ आज के नए सुबह के साथ में। और भाई आज जब मैं सुबह उठाना यार, तो मतलब कि एक बहुत अच्छी खबर मेरे को सुनने को मिली। वैसे मैं और आज बहुत ज्यादा ही मैं खुश हूँ। 59 चाइनीज एप्लीकेशंस आर बैंड इन इंडिया। वाओ अमेजिंग। और यार मोदी जी की ना मुझे बस यही बात ना थोड़ी सी अच्छी लग जाती है कि यार वो जो भी कर देते हैं ना, हाँ ठीक है यार, मतलब कि उनसे लोग भी एटलीस्ट ना मतलब कि सेटिस्फाई होते हैं कि हाँ यार ये चीजें होनी चाहिए। और भाई इस मुहिम के अंदर ना मतलब कि जो चाइनीज एप्लीकेशन को कहीं ना कहीं बैन किया गया है, और ये केवल ना गवर्नमेंट के यार बैन करने से ही दोस्तों कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप उसको अपने फोन के अंदर रखोगे ना, तब तक भाई कुछ नहीं हो सकता। अनइंस्टॉल कर मारो यार, इंडियन ब्रांड आएंगी, इंडियन कंपनी आएगी, इंडियन कंपनी को भाई प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, नई तरीके की कंपनी आएंगी। आज अगर आप देखोगे तो आज इंडियन मतलब कि जो एप्लीकेशन है, इंडियन जो स्टार्टअप है ना, बहुत ही कम है। यानी कि आप अगर टोटल 100% में से अगर उठा के चलोगे अगर आप, तो मुश्किल से 10-20% आपको दोस्तों मिलेंगे केवल कंपनी हमारी इंडियन जो एक सक्सेसफुल है और जिनका नाम हो पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर में। तो भाई दिस इज अ राइट टाइम टू सपोर्ट ऑन इंडियन कंपनी गाइस। तो भाई अभी जो है बहुत सारी नई कंपनी आने वाली है जो हमारी खुद की हमारे इंडिया की होगी। बहुत सारे ऐसी कंपनी है जो इनको आज को आज हमें सपोर्ट करने की जरूरत है। तो भाई अनइंस्टॉल कर मारो सारे एप्लीकेशंस को, जितनी भी आपको लगते हैं कि चाइनीज एप्लीकेशंस हैं। और भाई जब हमारे देश के जवान या जब लड़ने लग रहे हो ना, जब बॉर्डर पे, तो भाई वो हमारे लिए लड़ने लग रहे हैं कहीं ना कहीं, तो भाई हमें भी सपोर्ट गाइस करना चाहिए। तो भाई मैंने तो भाई सारे के सारे एप्लीकेशन उड़ा दिए, जितने भी चाइनीज एप्लीकेशन दिखे ना मेरे को सारे उड़ा दिए। और भाई ये बिल्कुल राइट टाइम है, अगर आप अपने खुद के कोई स्टार्टअप अगर चालू करना चाहते हो ना, तो भाई ये इससे बेहतरीन समय ना भाई आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। अपने कुछ या जबरदस्त कोई आइडिया सोचो, अपने कुछ ऐसे शॉर्ट वीडियोस के प्लेटफॉर्म सोचो जो टिकटॉक को रिप्लेस कर सके एटलीस्ट, क्योंकि गूगल भी अपने खुद के प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करने वाली है। चाइनीज एप्लीकेशन की बात करूं ना गाइस, तो वो कहीं ना कहीं सारे ही फेमस हैं। आप कोई सी उठा लो, शेयर उठा लो, शेयरिट उठा लो, एक्सेंटर उठा लो, पैरेलल स्पेस उठा लो, आप कैम स्कैनर उठा लो, आप टिकटॉक उठा लो, ये सारे चाइनीज हैं यार, और ये सारे के सारे भाई फेमस हैं ये। तो भाई आप इनकी जगह पे आप अपनी खुद की बनाओ एप्लीकेशन, प्रमोशन करो यार, हम सारे मिलकर के सपोर्ट करेंगे। और आप भी दोस्तों गाइस ना मैं कहूंगा कि आप भी वीडियो बनाओ और आप भी लोगों को जगाओ कि हाँ भाई तुम्हें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, तुम्हें भी खुद का भाई बनाओ कुछ। और ये एक राइट टाइम है भाई बिल्कुल ग्रो करने का अपनी इंडियन कंपनी को। और भाई आप लोगों को तो बिल्कुल पता ही होगा कि मेरे पास जो है गोरिल्ला ट्राइपॉड नहीं है, तो मुझे अपने हाथ में बेसिकली इस कैमरे को थोड़ा होल्ड करना पड़ता। तो यार मैंने आज ही जो है मैंने बात की है अपने चांदनी चौक के अंदर, मेरे कुछ जान पहचान के कोई शॉप्स हैं, तो मैंने वहां पर बात किए हुए हैं अपने गोरिल्ला ट्राइपॉड के लिए और कुछ अदर एसेसरीज के लिए। तो भाई वो मेरे को थोड़ी देर में भी फोन करके प्राइस बताने वाले हैं। बाकी जो है यार दोस्तों मैंने ऑनलाइन भी देखा और भाई कुछ प्रोडक्ट्स जो ऐसे हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको भी बाय करना चाहिए, जो भी बहुत ही चीप प्राइस पे भी फिलहाल अमेजोन पर अभी अवेलेबल है, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये देखो। और यार मैं यहाँ पर जो कुछ प्रोडक्ट्स है जो मैं सोचा था मंगवाने का, तो जिसमें सबसे पहला प्रोडक्ट जो है गाइस वो ये है, ये देखो। जैसे कि यार रोड की माइक है, मैं सोचा था मंगवाऊं, लेकिन मेरे पास फिलहाल जो है यार गाइस जूम H1 है, तो मैं सोच रहा हूँ कि फिलहाल अभी जो है ये केवल ये केबल मंगवाया जाए, यानी कि ये TRS पैच केबल है बेसिकली। तो ये फिलहाल मैं मंगवा रहा हूँ जिसकी प्राइस है दोस्तों 1074। तो ये मंगवाएंगे और थोड़ा सा दोस्तों यहाँ काफी मतलब मुझे सिंक करने की जो प्रॉब्लम आती है दोस्तों वो कहीं ना कहीं ये खत्म हो जाएगी। दूसरा भाई यहाँ पर जो है अभी बोया बाय MM1 मिल रहा है यहाँ पर 1580 रुपए का, जो एटलीस्ट बिल्कुल रॉड के कंपेटिबिलिटी में है, लेकिन ये चाइनीज है, डेट्स वाई मैं इसको मंगवा भी नहीं रहा हूँ मैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब जो है थोड़ा बजट बनाऊंगा और रॉड की ही मंगवाऊंगा फिलहाल, क्योंकि उसकी क्वालिटी भी ज्यादा अच्छी है। बोया के अंदर जो बेसिकली एक ड्रॉबैक मेरे को ये भी दिखा, जो आपको नीचे एक रेड कलर का ये माउंट दिख रहा है ना, ये शॉक माउंट कहते हैं इसे, तो ये भाई मेटल का है बेसिकली। और ये इसके रिव्यूज मैंने बहुत छान मारे मैंने 2 दिन में, तो भाई ये जो है ये टूट भी जाते हैं कुछ समय के बाद, तो भाई डेट्स वाई मैं इसको अब ले भी नहीं रहा हूं मैं। और भाई वन ऑफ द बेस्ट मैं आपको एक आखिरी में यही बताना चाहूंगा कि भाई अगर आपको इंटेक्स का अगर कोई गेमिंग यानी कि गेमिंग कीबोर्ड और माउस अगर ढूंढ रहे हो, तो भाई इंटेक्स जो एक इंडियन ब्रांड कंपनी है, वो भाई अपने जो है देखो कितने बेस्ट बेहतरीन प्राइस है 1200 रुपए के अंदर में, और वो भी दोस्तों कंप्लीटली RGB के साथ में, और वो भी 7 फंक्शनल बटन के साथ आपको ये देने लग रही है। तो ये मतलब कि मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं है, लेकिन ये मेम्ब्रेन कीबोर्ड ही आप इसको कह सकते हो, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है ना गाइस वो बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। तो भाई इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आपको दोस्तों अगर प्रोसेसर अगर बाय करना हो राइजन 7 2700, तो भाई अभी ये 14600 में अवेलेबल है, जो एक बेस्ट प्राइस है। जनरली इसकी प्राइस जो है 19000 रुपए के आसपास की रहती है। और साथ ही भाई हमारी पहली कोलैबोरेशन वीडियो टेक MM यानी कि मनोज भाई के साथ में हमारी आ चुकी है, तो भाई उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो वहां से आकर के यार जरूर देखना, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है। फ्यूचर ऑफ गेमिंग के ऊपर बेसिकली हमने बात किया है, और बहुत ही एक लाजवाब वीडियो, थोड़ा सा लंबा है यार, लेकिन
बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आप उसको देखोगे तो बहुत ज्यादा आपको मजे आएंगे। तो भाई नीचे जो है जाकर के आप अपने फेवरेट किसी यूट्यूबर का भी नाम लिख सकते हो जिसके साथ आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाए। बाकी यार मुझे आज अपने घर के काम से ना थोड़ा बाहर जाना है और साथ ही अपने डंबल के लिए आज मैं रॉड भी लेता हुआ आ जाऊंगा आते वक्त, लेकिन मुझे जाना जो है यार लगभग बहुत ज्यादा दूर जाना है, लगभग 50-55 किलोमीटर के आसपास मुझे थोड़ी सफर करनी है। और भाई तुम्हारे भाई ने जो है फाइनली जो है रॉड का जो वो था ना पैच केबल यानी कि TRS पैच केबल जो था वो मैंने ऑर्डर कर दिया। तो फाइनली भाई जो ये जो प्रॉब्लम होती थी ना कि माइक की ऑडियो निकालो फिर वीडियो निकालो कैमरे की देन फिर उसको सिंक करो, तो भाई फाइनली आज के बाद से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अभी जो उसकी जो ऑर्डर दिखा रहा है यानी कि कल तक वो डिलीवर करा देगा यानी कि अमेज़न प्राइम से, तो कल तक वो आ जाएगा। तो भाई चलो काम करके आ जाते हैं फटाफट। One hour later. तो भाई अभी जो यहाँ पर होना यार वहाँ से भाई व्यू इतनी तगड़ी है ना क्या बताऊँ मैं तुम्हें, दिखाता हूँ ये देखो। ये देख रहे हो? हाँ दिख रहा होगा, ये देखो मतलब कि ये सारा पहाड़ी पहाड़ है। एंड अगर आपको पता हो कि आखिर ये क्या है तो बता देता हूँ भाई, ये अरावली पर्वत की चेन कहते हैं बेसिकली, और ये पूरे के पूरे राजस्थान से टच होते हुए हमारे पूरे हरियाणा वगैरह दिल्ली वगैरह पूरा टच करता है। तो ये देख रहे हो क्या ज़बरदस्त व्यू है, थोड़ा और जूम करता हूँ तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो ना एक नंबर का व्यू। और मुझे यार आपको एक बात और भी बतानी है कि यार मेरा ना गेमिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मतलब ये समझो कि जब मैं 7 to 8 क्लास में था ना मैं तब से यार मतलब मैं वीडियो गेम्स को मैं खेलता हुआ आ रहा हूँ और मुझे गेम्स इतने ज्यादा पसंद है कि यार मैं क्या बताऊँ तुम्हें। फाइनली अब मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना यार मतलब मेरे पास ना टाइम काफी बच जाता है तो मैं सोच रहा हूँ कि गेमिंग चैनल को स्टार्ट करने का। तो यार आपका इस चीज में क्या ख्याल है यार आप बताओ और किस गेम से स्टार्ट किया जाए, ये भी यार दोस्तों सजेशन आप मुझे जरूर देना। तो मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि हफ्ते से 10 दिनों के अंदर में ही दोस्तों एक नई चैनल को क्रिएट और जो है गेमिंग स्टार्ट कर दूं। तो यार आई होप कि भाई आप लोग मुझे सपोर्ट भी करोगे। 5 hours later. तो भाई फाइनली यार मैं आ चुका हूं यार अपने घर पे और जो डंबल लेना था वो ले चुका हूं मैं, ये रहा। तो चलो भाई इस लाइट को किसने जला रखा है भाई, लाइटें वाइटें तो बंद कर दो, अगर मेरे फादर होते तो पता क्या कहते हैं, बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। तो भाई ये रहा भाई तुम्हारे भाई का रॉड, तुम्हारे भाई ने रॉड ले लिया है। वैसे मैं सोच तो रहा था प्लेट लेने का यार, लेकिन प्लेटें भाई बहुत ज्यादा ही महंगी थी, वैसे खैर मतलब सही रेट में मिल गया, 200 रुपए का पड़ा मुझे यानी कि 400 रुपीज का टोटल ये आया। और भाई साथ ही जो है मेरे डंबल की जो प्रॉब्लम थी यानी कि लेने की ना वो भी मेरी थोड़ी सॉल्व हुई, मेरे एक दोस्त है दिल्ली तो फिलहाल उसकी जो जिम है वहां पर 2 जिम खोल रखी है भाई लड़के ने, तो उसने बोला कि भाई मैं अगर को डंबल दे दूंगा मेरे से ले लियो कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई तुम्हारा भाई उसको पे कर देगा और सस्ते में तुम्हारे भाई को फाइनली मिल जाएगा। और यार अभी जिम के इक्विपमेंट्स यार इतने ज्यादा महंगे हुए पड़े ना, मतलब कहने की बात नहीं है भाई, मतलब कि जहां पर मैंने लास्ट टाइम जब मैं डंबल्स लेकर के आया था ना तो लगभग 25 रुपए किलो के हिसाब से मैं लेकर के आया था, और अभी करंट जो प्राइस है ना भाई 65 रुपए किलो, 45 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, मतलब कि अंधी तरीके से लूट चल रही है। और भाई मैंने सोचा नहीं था कि यार इतनी ज्यादा भीड़ होगी भाई, लोग जिम के इक्विपमेंट्स लेने के लिए इतनी ज्यादा भीड़ थी ना कहने की बात नहीं है, लेकिन चलो खैर कोई बात, फिलहाल तो मतलब कि इतना ही मार लेंगे, अभी इतने डंबल्स तो है मेरे पास कि फिलहाल मेरे हाथों की एक्सरसाइज तो हो जाएगी और मेरा काम तो फिलहाल अभी चल जाएगा। द नेक्स्ट डे सो फाइनली यार उठ चुका हूँ मैं यार, लगभग 11:30 दोपहर हो गया यार, लगभग 11:30 बज गए, क्योंकि एक्चुअली रात में यार मुझे नींद आई नहीं और मैं रात में सो भी नहीं पाया क्योंकि स्क्रिप्टिंग पे काम कर रहा था अपने टैक वाले वीडियोस पे, मैंने अभी तक कोई भी यार वीडियोस ना डाले नहीं थे, तो यार सोचा कि काम कर लेता हूँ, काम करते करते यार पता भी नहीं लगा मतलब ये कैसे 4:30 बज गए, ऑलमोस्ट मैं सोया हूँ लगभग 5 बजे के अराउंड में। और भाई एक बहुत ही एक अच्छी बात भाई ये भी हुई है कि कल जो मैंने ऑर्डर किया था ना TRS पैच केबल जो अपने कैमरे और माइक के लिए भाई वो आ गया, मतलब 10:30 बजे ही भाई आ चुकी, यूँ सोचो कल मैंने किया था जाने से पहले 11 बजे के अराउंड में जो है मैंने ऑर्डर कर दिया था 10:30 बजे करीब करीब मैंने कल ऑर्डर किया था और ऑलमोस्ट 24 घंटे लगे हैं भाई और 24 घंटे के अंदर भाई मेरे पास डिलीवरी पहुंच गई। तो यार वो नीचे ऑफिस में है तो चलो चलते हैं। और सो गाइस तो आ चुके हैं यार अपने ऑफिस पे, तो चलो यार अनबॉक्सिंग, वैसे मैंने नवनीत कुमार वाले पे ना बहुत दिनों से मैंने किए भी नहीं, लगभग 1 महीने तो हो ही चुके होंगे, तो चलो यार इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ओके सो फाइनली भाई कुछ नहीं है इसके अंदर, एक छोटा सा बिल है तो चलो इसे भी खो ही ले लेते हैं भाई, बहुत भयंकर गर्मी है। ओ
भाई साहब ये रहा, मतलब इतनी छोटी सी चीज और इतना ज्यादा महंगा है। मतलब कि बाकी इसकी अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो भाई बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, प्लस गोल्ड प्लेटेड आपको मिल जाता है। लेकिन यार आई थिंक इसकी जो प्राइस है ना यार वो थोड़ा सा ओवर बजटेड है, क्योंकि इसका प्राइस मुझे जो मिला है वो 1174 रुपए में, यानी कि ऑलमोस्ट 1200 रुपए का भाई इतना छोटा सा देखो केबल पड़ा है 1200 रुपए का। और बाकी अगर मैं नॉर्मल अगर ये केबल अगर लेता ना किसी अदर ब्रांड में, अगर इवन बोट का भी ले रहा था जिसके अंदर 2 मीटर वायर लेंथ का वायर भी मिल रहा था, और वो अराउंड मुझे पड़ रहा था लगभग 250-300 रुपए में। तो चलो गाइस आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आई होप कि गाइस आप लोगों को वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, हम मिलेंगे गाइस अगली वीडियो में। और टेक वीडियोस में अगर इंटरेस्ट हो दोस्तों टेक वीडियोस को सब्सक्राइब कर लो, और इस चैनल को तो भाई बिल्कुल ना भूलना, बहुत ही अमेजिंग कोलैबोरेशन आने वाली है, बहुत ही फन होने वाला है। अभी अमेजिंग गाइस यहां पर जो है टूर होकर चलने वाला है, तो आपको बहुत मजे आने वाले हैं। चलो बाय। You can stay till the morning, 'cause I just wanna quarantine.